गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग पे। सुबह के 7:00 बजे आंखें देखो अभी खुली खुली ही नहीं है, आधी नींद आँखों में, और मुझे उठा दिया गया है मक्की बीजने के लिए। काम है गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ा काम है। अभी बताओ मैं किस खेत में मक्की बीजनी, वो भी बैलों से। देखो ऐसे ऐसी जगह में चढ़ रहा हूँ मैं, हरियाली है, हरा भरा घास, पूरा दिन काम करना पड़ेगा, पूरा दिन। ये देखो पिताश्री ने लगा लिया है स्टार्ट, इस तरह से लगेगा वहाँ पे, वो कर रहे हैं। पहले इस खेत को बीजा जाएगा, फिर पता नहीं कौन सा खेत होगा। गाइस छल्ली छल्ली क्या आप छल्ली नहीं जानते ना, मक्की मक्की बीज के अपन हो गए थे फ्री 12 बजे उस खेत से। बैल थोड़ा स्लो चल रहे थे, फिर ट्रिलर लेके उसे ट्रिलर से मार दिया। अभी मैं आया हूँ अपने दूसरे घर, है ना। अभी वो लेंटर डाला था, आपने देखा था ना लास्ट टाइम लेंटर डाला था, बट अभी स्पोर्टे नहीं उतरी इसकी, पता नहीं अभी कभी उतरेगी स्पोर्टे। ऊपर से मैं आज अभी आपको बताऊंगा, है ना। अभी धूप बहुत ख़तरनाक धूप लगी है। अभी मैं जा रहा हूँ घर अपने पार वाले, अभी दूसरे खेत में जाएंगे ट्रिलर लेकर, फिर पता कहाँ जाना है, फिर जाना वो वाली पहाड़ी दिख रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी के टॉप में जाना है क्योंकि ताऊ जी को छोड़ना है ऊपर, और मेरा घर में जा रहा हूँ घर पार चद्दर वाला। अब वहाँ वाले खेत को मारा जाएगा, जो साफ साफ दिख रहा है ना आपको, इस वाले खेत को मारा जाएगा। अब इसमें बीज जाएगी मक्कियाँ, हमारी भाषा में बोलते छल्ली ना, छल्ली भी जाएगा, छल्ली की भी जाएगी। अब अगर आपके पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, बट अपनी भाषा को सपोर्ट करो बिंदास होके, तो अपन बोल रहे हैं छल्ली, है ना। और ये अपना गाँव है, कुछ इस तरह का मौसम है भाई। धूप ठीक लगी है, धूप तो मस्त लगी है ना, पर इतनी धूप की आदत नहीं है दिन में ना। आपको पता ही है कि मेरा काम जो डेली देखता है, लोगों को पता है ना कि अपना काम रूम के अंदर अंदर वाला ही है, बाहर वाला नहीं है। तो यहाँ घर में आके बाहर काम करना पड़ रहा है, कोई सीन नहीं है। 5-4 दिन के लिए तो घर आते हैं, दबा के काम करना पड़ता है, फिर भाग जाते हैं फिर से। सो गाइस अभी देखो शाम का समय हो गया, हम आ चुके हैं सपनौर, सपनौर की बात में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ताऊ जी जो है बुलेट चला रहे हैं अपनी, और उस साइड अपना घर है, दिखाऊंगा आपको अपना घर, वो देखो आपको दिखेगा नहीं है। कौन सी हाँ बदलो की वादियों में, और यहाँ पे मस्त राइड कर रहे हैं ताऊ जी चला रहे हैं इस वक्त, और मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ, बाद में वापिस आऊँगा अभी थोड़ी देर में। कुछ ऐसा गाइज अभी मैं आ चुका हूँ वापिस, कहाँ से चुराग से होते हुए, चुराग आया था मैं थोड़ा फ्रूट फ्रूट लेने। चुराग का व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं है। अभी जा रहा हूँ मैं अपने बगीचे वाले घर। अभी बगीचे वाले घर जा रहा हूँ बढ़िया, और अभी देखते हैं वहाँ वहीं पे रहूँगा या तो आज घर जाऊँगा, कोई पता नहीं है। क्योंकि दादी जो है बगीचे वाले घर में, और चाची भी थोड़ा सा उन्होंने है कुछ इधर सिस्टम ठीक है, तो अभी यहाँ पे मिल लेते हैं, दादी से मिल जाएंगे, चाची से मिल जाएंगे, और अच्छी बात यह है कि संडे आज चाचा से भी मिल जाएंगे। ये देखो क्या मस्त रोड है, और ऐसी बड़ी हरी भरी पेड़ पौधे हो हैं, और ऐसा हो अपना मंडी में तो थोड़ा धूल ही धूल है, और कुछ नहीं मिलेगा। बगीचे वाले घर से मैं अपना बगीचे में आपको सेब भी दिखाऊंगा कि हमारे सेब कितने हो गए, किस तरह के हैं। ये देखो गाइस आपको दिख रहा है, इसमें के बीच हमारा बगीचा है, यहाँ वाला ये वाला बगीचा अपना है, और एक वहाँ पे जो ये खनाई की है ना उससे ऊपर वाला बगीचा अपना है। बगीचे में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है खाने के लिए, चोर के करनी पड़ी है, पर यार ये खट्टा बहुत है ना। ये नहीं अपना बगीचे वाला घर है, बगीचे वाला घर हमारा यहाँ है। अभी मैं आपको बगीचे में लेके आ गया हूँ, ये देखो बगीचे में भी हमारे सेब, इतने छोटे छोटे सेब अभी, ये भी सेब है, इस बार पतली फसल है क्योंकि यहाँ पे ना ओले आ गए थे, ओलों ने इसका फ्लावरिंग जो फ्लावर आते ना वो गिर गए हैं। ये गाइस हम लोगों के खेत में घुस के अपनी वाली बॉर्डर यहीं पे है, इससे परे परे बॉर्डर में आपको बाद में निकाल दूंगा ना, अभी ज़्यादा शोर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के
इसमें घुस गए और ये देखो, वाह वटा 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 वटा, इसको क्या बोलते हैं, इसमें आया, हम चोर ने आया मैं इसको, ये तो गाइस इसको चोर ने आया मैं ना, ये होती है बहुत मीठी, दिखाऊँ आपको दांत मार के, देखो इस बगीचे में चोर चारी करनी पड़ती है ना, तभी होता है सिस्टम ठीक, हम आप समझ सकते हो हिमाचल में ऐसा सिस्टम है, यहाँ चोर चारी कर देते हम, जिसका भी बगीचा है ना देख रहे होंगे, चोर लेना हमारे बगीचे से, ठीक है। अभी मैं आपको घर बताता हूँ हमारा पाली साहब, आप सोचोगे सांप भी निकल के खा रहा है भाई, हमारे हिमाचल में है नहीं कुछ ऐसा सिस्टम, हिमाचल में नहीं पहाड़ों में, नाउ गाइस अब अपन चल पड़े वापस घर की ओर, और मेरे आगे देखो HRTC की रानी चल रही है, HRTC पहाड़ों की रानी, सॉरी HRTC वालों की तो क्या ही होगी, वो गई रे गई, जमीन लाए तो ऐसा कुछ सीन है रहा अपना आज का। अभी चलते हैं वो इधर से, और ये बस खुल गई है ऑलमोस्ट, गाइस बस वाले से आगे से निकलना पड़ेगा क्योंकि बस वाला ना धूल डाल रहा बड़ी बारी, अब अगर ये धूल डालेगा तो फिर तो लोचा ही है ना, ऐसा करते ही से निकल जाते हैं आगे, भगाते हैं अब थोड़ा सा खींच के,